किया के फाइव और बाल ओके कम डिस्काउंट ही ये है हुंडई की टेलोराइड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स के शोरूम में जो आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा इन है और जिसकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं और प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, तो देखते हैं जाके कि किया की कौन कौन सी वैरायटीज आई हुई हैं हमारे पास सऊदी अरब में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें। इससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है आने वाले व्लॉग्स की। और उनकी क्या प्राइस रेंज है, लेट्स गो। तो जी हम पहुंच गए हैं किया के शोरूम में। मैं आपको किया का शोरूम दिखाता हूँ इंशाल्लाह अंदर से। ये बाहर का माहौल है, सुबह का टाइम है और ये किया का शोरूम। ये माशाल्लाह से पूरी आउटलेट है, ये हमारे शहर हफरल बातिन की। तो चलते हैं अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अभी शुरू करते हैं। अच्छा, ये इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, डीलर ऑफ द ईयर 2015 में इनको हफरल बातिन से अवार्ड मिले हुए हैं। अच्छा, इससे शुरू करते हैं। ये मॉडल है किया स्ट्रिंगर 2023, 6 सिलेंडर है ये, 8 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसकी प्राइस है 1,90,000 और स्पोर्टिक लुक है इसकी। किया स्ट्रिंगर ये इसके अंदर की लुक है, कैमल इंटीरियर देखिए माशाल्लाह से। अंदर एनालॉग मीटर है, सनरूफ है, लेदर सीटेड, इसमें ड्राइव मोड्स भी हैं, वायरलेस चार्जिंग, ये कप होल्डर, ये कंसोल कप होल्डर ये रहा। और इन्होंने ये एजेंसी दी है, मर्सिडीज की टच दी है माशाल्लाह से। ये सारा गेट नोब भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। 360 कैमरास हैं, वाइड एंगल, पुश स्टार्ट, और इसमें जो उनसे ये हरमन कार्डन के स्पीकर्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल मशहूर है साउंड क्वालिटी में। ये 180 वॉट का चार्जर है, ये आपका लैपटॉप भी आराम से चार्ज कर सकता है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है और ये जो उनसे इसकी बहुत ग्लोसी लुक है, ये फैब्रिक में दिया हुआ है। डैशबोर्ड बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारी लुक है इसकी, एंटीक लुक है। बैक स्पेस भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये सीट पूरी पीछे हुई हुई है और आराम से बंदा बैठ सकता है। ये कुछ अलग ही फैब्रिक है ऊपर छत का, ओवरलुक गाड़ी की माशाल्लाह से बहुत अच्छी है।
इधर आपके पास आ गया है, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हीटेड और कूल में। वही चार्जर बैटरी और जो साइड पे है वो साइड का ये है, ये ग्लास बॉक्स और विंडो का अप डाउन का। इसकी इकोनॉमी देखते हैं क्योंकि 6 सिलेंडर इंजन है इसका, इसकी इकोनॉमी है 10.9 की। स्प्रिंगर रियर व्हील ड्राइव है, 3.3 लीटर पर लीटर। ये किया कि K3 है, किया K3 2024, 4 सिलेंडर, 1.6, 1600 cc है, 6-speed ट्रांसमिशन है। फ्यूल इसकी प्राइस है 87,800, ठीक है। अब इसको दिखाते हैं, ये आपका वर्कराउंड है किया K3। कीलेस एंट्री है, अलॉय रिम है, ये 2024 का मॉडल है। ऑल विंडोज ऑटो है, ये फैब्रिक में है, सीट्स जो फैब्रिक में है। ये इसका इंटीरियर है, ये इसका जो सा 2024 का नया स्टेयरिंग आया, पुश स्टार्ट का बटन इधर दिया हुआ है। इसका गियर और स्पेशियस गाड़ी है, एंड्रॉयड पैनल भी एंड्रॉयड दे दिया, डिजिटल पैनल दे दिया जो कि बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत आजकल आ रहा गाड़ियों में। तो ये इसकी ऐसी लुक है, नॉन सन हार्ड टॉप है और ये इसमें लाइट नहीं दी है, ओनली ग्लास है। अच्छा, इन्होंने बेसिकली ना वो निकाली होती हैं वायर्स, तो इधर वायरलेस चार्जिंग तो नहीं है, वायरलेस चार्जिंग की ही ऑप्शन नहीं है। ये कप होल्डर है, ये काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। ये पूरी सीट पीछे है, अब बैक स्पेस जाके देखते हैं। बैक स्पेस बहुत ही अच्छी है, स्टिंगर से भी ज़्यादा खुली है, आप देखें। ये सीट्स फुल पीछे हैं अभी। अच्छा, पीछे आपको मिल गया वेंट और चार्जिंग स्लॉट्स, वो भी टाइप सी की। पैसेंजर के लिए अलग से लाइट है और कुछ ऐसी है। इधर कप होल्डर है, ये मुझे पसंद आई है। इसकी इकोनॉमी भी फ्यूल की 16.8 है, 2024 का मॉडल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिसना ये है हुंडई की टेलुराइड, इसकी जो बैक लुक है आपको एज इट इज लगेगी जैसे रेंज रोवर हो। इसके साथ ये प्रीमियम मॉडल है, 20 इंचिस के अलॉय रिम है, किया टेलुराइड 2023 मॉडल, ऑल व्हील ड्राइव, 3.8 इंजन साइज है जो कि 6 सिलेंडर आता है, 11.3 की इसकी गुड एवरेज है। इसका फिर अली के टायर्स लगे हुए हैं, इसकी फ्रंट व्यू ऐसी है। जो इसकी प्राइसेस आ रही हैं 2,02,000 है, 174 उसके बाद वैट के बाद 2,02,000। कीलेस एंट्री है,
ऑल आउट विंडोज हैं, टिंटिंग ग्लास है, साइड मिरर टिल्ट होने वाला है, लेदर सीटेड है, फुल ऑप्शन इलेक्ट्रिक सीट्स है इसकी, जो कि लगी हुई है आप देख सकती हैं। वायरलेस चार्जिंग, बहुत बड़ी बूट स्पेस, लेदर हीटेड सीट्स है। ये जो सीट्स हैं वो हीटेड हैं, पुश स्टार्ट, और कंसोल इसका बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। इसकी स्पेस भी बहुत प्यारी है, गाड़ी का इंटीरियर वाइज बहुत ही लग्जरियस लुक है। ये इसका पैनल वुडन है, सनरूफ है, सिंगल सनरूफ है। ये डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है पूरा, और ये पैसेंजर की सीट भी हीटेड है, कूलिंग और हीटेड सीट्स। ये इसका कंसोल बॉक्स आ गया, ये कप होल्डर आ गया इसका पीछे, इसके आगे कप होल्डर है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो 8 शिफ्टेड है, 8 शिफ्ट जो ऑटो होल्ड, पार्किंग डिजिटल पार्किंग, और ये ड्राइव मोड आ गया इसकी। बहुत ही फर्निश्ड लुक है इसकी। इसकी बैक स्पेस पे ऐसे आ गए, ये इजीली वन पुश के साथ आप आगे कर सकते हैं सीट्स। ये पीछे की भी कितनी स्पेशियस है सीट, आगे बैठ के देखते हैं। ओए होए माशाल्लाह, बहुत ही है लग्जरियस और स्पेशियस। अच्छा, ये आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल इधर आ गया, लाइट्स आ गई हैं, और ये फैन को तेज़ हल्का करने के लिए ये इनके वेंट्स आ गए, वेंट्स आप बंद खोल भी सकते हैं। इधर कप होल्डर आ गया, और इधर शेड भी दिया, ये शेड भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इधर कप होल्डर आ गए, और दोनों सीट्स के साथ आपको मिले हैं चार्जिंग स्लॉट्स। एक आप इधर चार्जिंग स्लॉट लगा सकते हैं जो कि टाइप सी का है, और इसके साथ भी आपको ये टेलराइड के अपने कोई स्पीकर्स हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की गाड़ी है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। इसमें पूछते हैं इसकी प्राइस फाइनल है या इसमें कुछ कमी है। ये द ऑल न्यू स्पोर्टेज 2024 मॉडल, किया स्पोर्टेज 2024, जो कि बहुत इकोनॉमिकल गाड़ी है, एक्सीलेंट इकोनॉमिकल, 16.1 स्पोर्टेज 2023 मॉडल। ये फोर व्हील ड्राइव है इसके, ये देखें लाइट्स, बहुत ही प्रीमियम मॉडल है ये। 17 इंचेस के अलॉय रिम है, कलर कितना प्यारा है। बिस्मिल्लाह, هذا 104 زين بعدين يسوي ديسكاونت. اوكي كم ديسكاونت يجي؟ كم يجي ديسكاونت ان شاء الله؟ हाँ नहीं, शूफ इसकी ये फैब्रिक सीट्स हैं, मैनुअल, ऑल विंडो ऑटो है, डिजिटल पैनल आ गया, और ये 2023 का स्पोर्टेज मॉडल है जो कि फेस अपलिफ्ट हो गया। अब ये जो मॉडल है ये स्टैंडर्ड मॉडल है इसका। ब्रेक स्टार्ट टेक दिस वन।
ये देखें कितना प्यारा इसका कंसोल है। मीटर इसकी ये की है, ये ऑटो स्टार्ट भी है, देखें फुल इसकी प्रीमियम लुक है माशाल्लाह। क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। 128 का वोट का चार्जर, इसकी पार्किंग इधर है ऑटो पार्क। इंजन स्टार्ट स्टॉप की इधर ऑप्शन है वायरलेस। अच्छे पीछे से ये ऐसी है स्पेशियस है बहुत ज़्यादा। अब देखें बैठ के आपको लेग रूम इतना ज़्यादा मिलता है, और आपके पास इधर ये वेंट आ गए हैं, ये कंसोल आ गया, इधर आपके पास चार्जिंग स्लॉट्स आ गई दोनों तरफ, ये लाइट आ गई है, और इधर से आपके पास काफ़ी स्पेशियस जैसा हुंडई वालों का टुसोन है। ये भी 1 लाख की प्राइस रेंज में ये गाड़ी बुरी नहीं है। इसकी बूट स्पेस आ गई, देखें बूट स्पेस इतनी स्पेशियस है, ये भी आप लगा सकते हैं, ये कवर कर सकते हैं ऐसे। इसके साथ आपको देखें ये आदि है, आधा 4x हाँ डबल। ये सेल्टोस है किया की 2024, 4 सिलेंडर है, इसकी 1500 cc कैपेसिटी है इंजन की, 1500 cc इंजन है किया सेल्टोस 2024, 50 लीटर की फ्यूल की टैंक है, फ्यूल इकोनॉमी 17.5 हैं, और इसकी प्राइस रेंज है 1,01,000। 86 इसकी प्राइस है वैट के बाद 1,01,000। ये इसका कलर है, ग्रिल है, ग्रिल के सेंटर में DRL लाइट्स हैं। अच्छा ये भी इसके साथ 17 इंच के अलॉय रिम है। किया सेल्टोस 2024, पैनोरामिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, ऑल ऑटो विंडोज, टिंटिंग मिरर, मैनुअल सीट है और विथ लेदर सीटेड्स। डिजिटल पैनल, पुश स्टार्ट, 6-speed ट्रांसमिशन जो कि 1500 cc के लिए बहुत ज़्यादा है, पार्किंग, ऑटो पार्किंग, ऑटो होल्ड पार्किंग, डिजिटल, इसमें वायरलेस चार्जिंग आ गई, आपके पास ये कप होल्डर आ गए, ये कंसोल आ गया अंदर टाइप सी का चार्जिंग, आपके पास सनरूफ आ गया और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। ये इसकी बैक स्पेस है, अगेन बैक स्पेस भी माशाल्लाह किया की गाड़ियों की मुझे बहुत पसंद आई है। ये फुल पीछे है सीट जो कि ड्राइवर की भी पहुंच से बाहर है, फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा लेग रूम है। इधर वेंट आ गया, चार्जिंग के स्लॉट आ गई, ये बहुत ही प्रीमियम किस्म के लेदर है और कलर भी बहुत पसंद आया माशाल्लाह से, पैनोरामिक सनरूफ है।
अगेन कप होल्डर और किया सेल्टोस, ये इसकी बूट स्पेस है। हाँ माफी शुक्रिया, हाँ माफी तरबोस आदि आदि ये इसकी ट्रंक स्पेस आ गई, काफ़ी स्पेशियस है ट्रंक स्पेस, आप देख सकते हैं इस तरीके से आगे करके पूरा रूम बन जाता है। अगेन इसमें हमारे पास स्पेयर आ गया, वो भी सिंपल है, बाकी बहुत स्पेशियस गाड़ी है ये भी, आराम से फैमिली कार, इकोनॉमिकल फैमिली कार। इनका जो वकील है वो अलजबर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।